डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का उद्घाटन सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल खेल मैदान में किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, सुभाष ठाकुर मौजूद रहे। विधिवत पूजा अर्चना के बाद मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। मेडिकल कॉलेज 206 करोड़ रूपए की लागत से बनाया जाएगा। मंच पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार, विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, सुभाष ठाकुर को स्मृति चिन्ह व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल का सौभाग्य है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पीएम मोदी का विशेष योगदान रहा है और केंद्रीय मंत्री नड्डा का भी स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान रहा है, जो कि बेहतर है। उन्होंने कहा कि 4 मेडिकल कॉलेज वर्तमान केंद्र सरकार की देन है, तो एम्स हिमाचल के लिए सपने में ही परे है, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मैंने कहा अपनी बात में कि हिमाचल प्रदेश का ये सौभाग्य है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में है, उसका विशेष योगदान रहा। हिमाचल की धरती से जगत प्रकाश नड्डा जी संबंध रखते हैं, केंद्र में इस विभाग के मंत्री हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान। छोटा सा प्रदेश, 6 मेडिकल कॉलेज और 6 में से 3 मेडिकल कॉलेज जो है वो अभी ताज़ा तरीन जो है वो हमारे बीच में, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे वो मंडी की बात है, चाहे वो हमीरपुर की बात है, और उसके साथ हमारा नाहन का मेडिकल कॉलेज है। और ये 4 मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार की देन है, केंद्र सरकार की। और उसके साथ साथ में यही नहीं, एम्स हिमाचल प्रदेश के लिए सपने से भी परे की बात थी, वो भी हिमाचल प्रदेश को मिला बिलासपुर में। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक जो है वो परिवर्तन आएगा। बहुत बड़ी स्वास्थ्य की सुविधा की दृष्टि से हम आगे प्रदेश के बाकी प्रदेशों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जहां प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी की बात है, उस जिम्मेवारी को प्रदेश सरकार भी निभा रही है। डायलिसिस का बार-बार जिक्र आया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 5 महीने के दौरान जो कमियां पाई जा रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और तेज गति से हिमाचल में विकास बढ़ रहा है, इससे पहले नहीं बढ़ पाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सपने ही दिखाती है, लेकिन अब बीजेपी सरकार ने सपने पूरे किए हैं। यहाँ 5 महीने की सरकार के दौरान जो हम कमियां महसूस कर रहे हैं, एक एक कमी को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी आप लोग कह रहे हैं, आप डायलिसिस का जिक्र कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारा लक्ष्य है इस बात को, इसको भी पूरा करने के लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितनी तेज गति के साथ हम स्वास्थ्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आज से पहले कभी इस प्रकार के प्रयत्न। कांग्रेस क्रेडिट की बात करिए मेडिकल कॉलेज को लेकर। देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया कि कांग्रेस सिर्फ सपने देखती थी। हमने MOU साइन किया स्विट्जरलैंड के साथ, एम्बुलेंस का, तो उसके लिए भी कह रहे थे कि ये तो हमने 2015 में सोचा था तो किया क्यों नहीं। अगर हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज की अगर बात कहते थे, सोचा था तो किया क्यों नहीं। आखिरकार ये सारी चीज़ें वो कब रही हैं, ये तब हो रही हैं जिन्होंने सोचने के साथ इस सपने को साकार करने के लिए काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयानों पर जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके लिए ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह अनुभव की बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि किसने प्रदेश के लिए क्या किया है, ये महत्व रखती है। मैं उनको बहुत उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में पिछले 20 वर्ष में विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जो भी जिम्मेवारी थी, उन जिम्मेवारी को ठीक प्रकार से निभाने में सफल रहा इस बात का, और इस बात का कहने का कोई, और जहाँ तक अनुभव की बात कहें, अगर हम उनके अनुभव की बात कहें, ये महत्व का विषय नहीं है कौन कितने वक्त तक रहा, लेकिन महत्व ये है किसका योगदान क्या है, क्या दिशा क्या देता है।
वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गत दिवस पूर्व मुख्यमंत्री विभय सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देने की बात पर कहा कि ये कंफ्यूजन में हो गया है और इस पर बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही है और जो कर्मचारियों से गलती हुई है उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी। बड़ा अब हो गया, कंफ्यूजन में हो गया। अब चलो नहीं, जब दो सर दो बार हुआ। मैं चाहता हूं कि वो सरकार जिस तरह से सोचती थी, काम करती थी, वो सत्ता से बाहर चले गए। हम खुलापन रखते हैं, गलती हो गई है, लेकिन उस गलती के कारण किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा। देखिए मैं आपको बताऊँ, आप सारी चीजों को लेकर के इन चीजों में जाएंगे तो बड़े काम नहीं किए जा सकते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्रीय सरकार से करोड़ों रुपए स्वीकृत हुए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के समय में काम तक शुरू नहीं हो पाए। आज मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा हुआ है और पीएम मोदी के आयुष्मान कार्यक्रम में भारत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जो कि अच्छी बात है। पूछता था, मैं पुराने समय की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं कहता था प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुम्हारे, हमने मंडी को कैंसर सेंटर दिया, टर्शरी कैंसर सेंटर 45 करोड़ रुपए, प्रोजेक्ट ही नहीं आया। मंडी खोले कि नेर चौक की मंडी की नेर चौक। अरे मैंने कहा कहीं खोल लो भैया, हमारे से ये 45 करोड़ रुपए लेकर के हिमाचल की धरती पर लगाओ और कैंसर सेंटर को खोल करके टर्शरी कैंसर सेंटर का काम चलाओ। लेकिन नहीं कर पाए, आज उस सब का काम शुरू हो गया है। इसलिए यह परिवर्तन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आयुष्मान भारत का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, यह दुनिया में इस तरीके का कार्यक्रम कभी नहीं चला था। आप जरा सोचिए, 125 अरब की जनसंख्या में 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोगों को सालाना स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए का सालाना कवर मिलेगा, इंश्योरेंस का कवर मिलेगा, इस तरीके की आयुष्मान भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पूर्व सीएम धूमल के समय में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि धूमल सड़कों वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने गए हैं। उन्होंने कहा कि आज खुशी होती है कि जो काम धूमल के समय में हुए हैं वह हमारे समय में हुआ है। आदरणीय धूमल जी ने बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर के आए, सड़कों वाले मुख्यमंत्री के रूप में देश में प्रदेश में जाने गए। इनके साथ जिस जिस काम को देखने का मौका मिला उसके हम भागीदार हुए। आज हमें खुशी होती है कि हम ये कहते हैं कि हाँ, ये 20 करोड़ का जो पुल है, इस पुल को जब श्री गणेश किया गया था तो हम हाजिर थे, हम भी थे। हमें खुशी होती है कि हम ये कहते हैं कि हाँ, जब ये टांडा मेडिकल कॉलेज, अब वो हमारे पूर्वज छोड़ करके चले गए थे, उनकी आदत है कि वो बस 40 लाख में टांडा मेडिकल कॉलेज बना के चले। सुना आपने 40 लाख में कभी कोई मेडिकल कॉलेज चलते हुए? धूमल जी मुख्यमंत्री बने और हम बने स्वास्थ्य मंत्री। दिल्ली की धूल छापनी पर फाकनी पड़ी, दर दर घूमे, एमसीआई के पास जाए, उन्होंने कहा तुम तो हाईकोर्ट गए हो, जाओ हाईकोर्ट से ले लो मेडिकल कॉलेज, नहीं मिला। बाद में जाकर एमसीआई से बातचीत करके धूमल जी ने, आदरणीय मोदी जी हमारे प्रभारी होते थे, उन्होंने एमसीआई वालों को बैठाया तो बातचीत हुई, तो हमारा मेडिकल कॉलेज टांडा मेडिकल कॉलेज का मिला। और उस समय जब टांडा मेडिकल कॉलेज मिला तो धूमल जी ने 124 करोड़ रुपए देकर के एक साथ टांडा की बिल्डिंग बनाई और वो बनकर के आज तैयार हुई। उन्होंने जनता से निवेदन किया कि चुनावों में उन लोगों को आगे लाएं जो काबिल हों। उन्होंने कहा कि जनता को चाहिए कि काम करने वाले उम्मीदवार को आगे लाने के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि अंतर लोगों को समझना चाहिए क्योंकि विकास का दूसरा नाम बीजेपी पार्टी है। उन्होंने कहा कि जनता हरा बटन दबाएगी तो चलते रहेंगे और लाल दबाओगी तो रुक जाओगे। आपने देखा होगा ना, मशीन में दो बटन होते हैं, एक हरा होता है एक लाल होता है। हरा दबाओगे तो मशीन चल पड़ेगी और लाल दबाओगे तो रुक जाएगी। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी का। हरा दबाओगे तो चलते रहोगे, लाल दबाओगे तो रुक जाओ। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये हम नहीं, ये आप तय करते हैं कि आपको विकास चाहिए कि नहीं चाहिए। हम तो माध्यम हैं,
मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे ये एक छोटे से प्रदेश के एक छोटे से व्यक्ति को यह मौका दिया कि भारत में 58 मेडिकल कॉलेज के कपन्नों पर हस्ताक्षर करने की ताकत दी और उसमें से 4 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश को दिए। इस बात को हमको समझना चाहिए और ये हमको पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि देश में सपनों को पूरा करने का काम केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की जयराम सरकार कर रही है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के लिए सभी का आभार प्रकट किया। कुछ लोग केवल सपने देखते हैं, कुछ लोग केवल घोषणाएं करते हैं, कोई अधिसूचना जारी करते हैं फिर कहते हैं अधिसूचना तो हमने जारी की थी, सपना तो हमने देखा था। सपने देखना भी जरूरी है, अधिसूचना भी जरूरी है, पर सपनों को साकार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार देश में कर रही है, प्रदेश में जयराम जी की सरकार कर रही है। मुझे पता है इसमें ज्यादा अड़चन आती थी तो टाइम बे टाइम जब भी मैंने फोन किया है, आज गौरव से कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसका उत्तर देते थे और वो काम तुरंत करने का प्रयास उन्होंने किया है। आज उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि आज डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का उद्घाटन किया गया है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जो काम 4 सालों में नहीं हो पाया है वो भाजपा की सरकार ने मात्र 4 महीनों में कर दिखाया है। भाई और बहनों, मेरे मीडिया के मित्र भी गवाह है, 2014 से लेकर 2018 4 वर्ष के कार्यकाल में हम लगातार मांग उठाते रहे। एक के बाद दूसरा डिप्टी कमिश्नर आया, कई अधिकारी आकर चले गए। हर दिशा की मीटिंग में पूछते थे कब मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी। जो काम 4 साल में नहीं हो पाया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मात्र 4 महीनों में करके दिखाया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं आदरणीय जयराम जी आपका, कि प्रदेश के अधिकारियों ने और प्रदेश की सरकार ने जितनी औपचारिकताएं थी उनको पूरा किया। भाई विपिन परमार जी से मैं लगातार निवेदन करता था, आपसे लगातार बातचीत होती थी और आपने जो प्रयास किए हैं इसके कारण, प्रदेश सरकार के ही प्रयासों के कारण आज हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलने का सपना पूरा हुआ है। हम तो केवल 32 डॉक्टर हो जाते थे तब भी कहते थे बड़ी बात हो जाएगी। आदरणीय नड्डा जी, आपने तो 32 नहीं 232 डॉक्टर देने की बात कही है, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।